So, hey, yeah, everybody, on. आ गए तुम सब and finally, वो वीडियो आ गई है जिसका तुम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे गेमिंग वीडियो। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड ने मेरी डायरी देख ली एंड रिसेस टाइम में उसे कंप्लीट पूरा का पूरा पढ़ भी लिया जिसमें मैंने अपनी क्रश का नाम लिखा था और उसके साथ कुछ रोमांटिक सिनेरियोस। बेशरम आदमी। मैंने उस लड़की को अच्छे से समझाया कि देखो ये बात अपन दोनों के बीच में रहे तो अच्छा रहे, ये बात प्रॉपरली टॉप सीक्रेट रहनी चाहिए, इस बारे में क्लास के किसी भी बंदे को। ओहो सीनू क्लास मॉनिटर के साथ। लेकिन अगर ये बात इसी जगह खत्म हो जाती तो मैं पूरे स्कूल में फेमस कैसे होता। वो पागल लड़की उस डायरी को लेकर टीचर के पास पहुंच गई एंड लेट मी टेल यू, मेरी क्लास टीचर एक मैम थी एंड ट्रस्ट मी, एक फीमेल जेंडर, चाहे वो तुमसे छोटी हो, बड़ी हो, तुम्हारे एज की हो या फिर आंटी ही की, वो ताने बहुत खतरनाक मार सकती। तू सब जानता है ना, मेरी क्लास टीचर तो मेरी दादी की उम्र की थी, वो ऐसे ताने मारती थी कि दिल में छेद हो जाता था। अच्छा पढ़ रहे हो? हाँ मैम। ठीक है पढ़ लो। मैम ये क्वेश्चन नहीं बन रहा था। बनेगा भी कैसे, बना तो तुम रहे हो अपने माँ बाप को। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास खत्म, किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हो। यस मैम, एक डाउट था। डाउट तो मुझे है कि तुम अपने माँ बाप के बेटे कैसे हो सकते हो। तुम्हारी बहन को देखो, कितनी ब्रिलियंट स्टूडेंट है और तुम्हारी तरफ नजर जाके यू टर्न ले लेती है। लेकिन एक बात अच्छी थी कि वो डायरी मैम को स्कूल छुट्टी होने के बाद मिली, तो इसका मतलब था कि आई एम सेफ। उस दिन मैं पूरी तरीके से बच चुका था एंड मैं अपने छोटे से दिमाग में बड़ा सा प्लान बनाया कि मैं नेक्स्ट डे स्कूल ही नहीं जाऊंगा। एवरीथिंग शॉर्ट। हेलो हेलो हेलो, क्या आप सीनू की मम्मी बोल रही है? हाँ, आप कौन? एक्चुअली मैं सीनू के स्कूल से उसकी क्लास टीचर बोल रही हूँ। मैं स्कूल जाएगा, जो होगा स्कूल में देखा जाएगा। और अब जब मैंने अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बना ही लिया तो उससे परोस के खाने में भी कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए मैंने अपने दिमाग में ये प्लान बना लिया मैं नेक्स्ट डे खुद को कैसे रिप्रेजेंट करने वाला टीचर के सामने, क्योंकि अब मेरी लगने वाली है। हाँ जी, तुम्हारा घर तो काफी दूर है ना, इतनी दूर से ये सब करने आते हो? वो इतने जेन्युइन क्वेश्चंस कौन टीचर पूछ रहा भाई, अब जुबान नहीं है क्या, बोलो। काम कर रहे हो? राजू पानी लाना जरा। अरे कहाँ गया ये? छी, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ, अब थोड़ा सैवेज बनने की बारी आ चुकी। ये डायरी तुम्हारी है? नहीं तो? हाँ हो सकता है। क्या है ये सब? हाँ क्या लिखा है, पढ़ लीजिए, पढ़ने वाला नहीं आता क्या? इसको टीचर किसने बनाया? स्कूल में ये सब करने आते हो? हाँ तो घर पे करूँ ये सब। क्या ये डायरी तुम्हारी है? मैंने कुछ पूछा, क्या ये डायरी तुम्हारी है? हाँ सर, पिछले 2 साल से लिख रहा हूँ और घर पे जब सब सो जाते तो उसके बाद ये सब लिखता हूँ, घर पे किसी को पता नहीं है और ये बात उसको भी नहीं पता है, मम्मी को मत बताना प्लीज। सर से इंटरोगेशन होने के बाद सर ने मुझे भेज दिया, कहा टिफिन रिसेस टाइम में आना। ना ना बिल्कुल नहीं, कॉन्सोरेंस देने के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं, इसकी बेइज्जती और की जाए बाकी टीचर्स के सामने। इस टाइम तक मैं अपने टीचर्स के लिए एक एंटरटेनमेंट का जरिया बन चुका था, बोरिंग क्लासेस ले लेके, प्रिंसिपल की गालियां खा खा के, पेरेंट्स के ताने सुन सुन के वो भी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे, उन्होंने अब मेरी लेने की सोची। जैसे मैं स्टाफ रूम पहुंचा मेरी आंखें मेरे मुंह से बाहर आ गई। व्हाट? क्योंकि वहां पर मैंने देखा कि वहां पर सिर्फ लेडी टीचर्स थी, अब मेरी इज्जत से उतारी जाएगी। उनमें से एक टीचर ने मुझसे ये पूछा, तुम्हें उस लड़की में ऐसा क्या पसंद आ गया? मैम मैं क्लास 5 का बच्चा, मेरे को क्या ही पता होगा कि मुझे। अरे काहे का बच्चा, हाँ क्लास 5 से आशिकी लड़ा रहा है, बताओ 2 साल से तो डायरी भी लिख रहा है। ये बात मेरे को आज तक पता नहीं चली कि मैं वहाँ पर कुछ देर के लिए कंफर्टेबल क्यों हो गया। मैंने A to Z सब कुछ बता दिया कि मेरी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, मेरी फर्स्ट क्रश कैसे बनी टू द एंड, जो मैं आज पकड़ा गया। अब मेरे को लगा कि मैं बन चुका हूँ पूरी तरीके से स्टड, लेकिन मेरे को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ये सारा इंटरोगेशन प्रिंसिपल ऑफिस से प्रिंसिपल और मेरी मम्मी कैमरे से लाइव देख रही थी। नॉर्मली जब बच्चे स्कूल छुट्टी होते हैं तो उसका घर जाते हैं, मैं भी घर ही जा रहा था
पर पता नहीं क्या हुआ, सडनली नर्क पहुंच गया। घर पे पहले कूटा गया, सूता गया और फिर घर से निकाल भी दिया गया। मेरे अंदर का स्टड थोड़ा बहुत जिंदा तो था, तो इसलिए माँ बाप से कुटने के बाद भी तो मैं चला गया अपनी क्रश से बात करने। हाय, क्या हो गया? तो तुमने क्या सोचा? वो हमारे तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो के लिए बस इतना काफी है। एंड हाँ, मैंने कंप्लीट कर दिया फाइनली ये वीडियो। अगर तुम सबको ये वीडियो पसंद आए तो मैं लाइक करना चाहिए, एंड चैनल पे पहली बार आए तब सब्सक्राइब करना एकदम से मत भूलना, मेरे दिल को थोड़ी सी सुकून मिलेगी। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग एंड पीस आउट।